दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीनिया की जो सीड्स है वो लगाएंगे यहाँ पे, तो मैंने थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है। इसके अंदर हम जो सीड्स है वो लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, काफी सीड्स हैं, तो इसको हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। ओके दोस्तों, सीड्स हमने डाल दी है। अब इसके ऊपर जो हल्की सी जो मिट्टी है वो डाल देंगे ताकि जो सीड्स है वो कवर हो जाए इस तरह से। दोस्तों, आज 3 फरवरी है, देखते हैं इसकी जर्मिनेशन जो है कब तक हो जाती है और फिर हम इनको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसी तरह से आप इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो सेम इसी तरह से जो सॉइल मिक्स है, मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा सॉइल आप यूज कर सकते हैं, तो उस सॉइल के अंदर आप अपने पॉट के अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। जब इसकी सीडलिंग तैयार हो जाए उसके बाद आप उसको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों, अगर आप पॉट में ग्रो करते हैं तो इसको सनलाइट में रखिए, धूप में रखिए ताकि ये जल्दी जर्मिनेशन हो सके। देखिए दोस्तों, जो हमने जीनिया लगाया था वो अच्छे से ग्रो हो गया है, सभी प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर गए हैं। मेरे पास क्वेरी आई थी कि जो जीनी है हम लगाते हैं तो ग्रो नहीं होता। देखिए, सबसे जरूरी है कि आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दबाजी करते हैं तो प्लांट्स को थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो जरूर ग्रो करेंगे। अभी दोस्तों इनको थोड़ा और बड़ा होने देंगे, बहुत छोटे हैं, बाद में हम इनको ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। आप 2 से 3 वीक तक जो है वेट कर सकते हैं जीनिया का ग्रो होने के लिए। सॉइल थोड़ा अच्छा यूज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे सॉइल में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।